हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर प्रैक्टिस सेशन एंड एग्जांपल सेशन विद अस। मेरा नाम अक्षय धनकर है और आज हम सीखेंगे आरएसआई इंडिकेटर के बारे में। सो आप लोगों ने सुना बहुत है आरएसआई इंडिकेटर के बारे में, यूज़ बहुत लोग करते हैं आरएसआई इंडिकेटर क्योंकि एक लीडिंग इंडिकेटर है। तो इसके बारे में आज हम थोड़ी सी फाइनर डिटेल सीखेंगे, कुछ फाइन पॉइंट्स समझेंगे और कुछ एग्जांपल समझेंगे कि आरएसआई काम कैसे करता है। सो आरएसआई का फुल फॉर्म होता है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इंडिकेटर। अब आपको डाउट होगा कि ये स्ट्रेंथ दिखाता है या फिर ये ताकत दिखाता है कि ये किस तेज़ी से या फिर ये किस पावरफुलनेस से ये स्टॉक या स्क्रिप्ट ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। बट आरएसआई एक्चुअली मोमेंटम दिखाता है, मोमेंटम एज इन गति, ये किस गति से ऊपर जा रहा है, किस गति से नीचे जा रहा है। सो अगर आप देखोगे, अगर बहुत बड़ी बड़ी कैंडल्स बनेंगी ग्रीन या रेड, तो आरएसआई का मूवमेंट उतना ही तेज़ी से ऊपर नीचे होता है या कि अब छोटी छोटी कैंडल बनेंगी ग्रीन या रेड में। सो आज हम बड़े एग्जांपल्स के साथ देखेंगे आरएसआई का कन्वर्जेंस, आरएसआई का डाइवर्जेंस और आरएसआई इन शॉर्ट क्या मीन करता है। सो अगर हम आरएसआई के कुछ फीचर्स देखें, सो आप आरएसआई में देखोगे कि आरएसआई एक मोमेंटम इंडिकेटर है। मोमेंटम यानी गति, ये किस स्पीड से या किस मोमेंटम से ये जो भी स्क्रिप्ट की मूवमेंट होती है ये आरएसआई कैप्चर करता है। सो आरएसआई की बहुत सारी सेटिंग्स होती हैं, 80-20, 70-30, 60-40। हर ट्रेडर अपने हिसाब से सेटिंग्स को अपने सेटअप के हिसाब से यूज़ करता है, बट 70-30 या 80-20 भी सेटिंग यूज़ करना कोई ख़राब नहीं है। अभी आरएसआई में हमको जो समझ में आता है वो है ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड रीजन। तो अगर आपने 70-30 का रेंज सेट किया हुआ है तो 70 के ऊपर जो भी है वो ओवरबॉट जोन है और 30 के नीचे जो भी है वो ओवरसोल्ड जोन है। सिमिलरली अगर आपने 80-20 की सेटिंग कर रखी है तो 80 के ऊपर ओवरबॉट है और 20 के नीचे ओवरसोल्ड है। तो ये आरएसआई की कुछ सेटिंग है। और आरएसआई की सबसे अच्छी चीज़ जो है कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस। ये जो चीज़ समझाती है आरएसआई और प्राइस के रिलेशन में, जो ये चीज़ें समझते हैं हम, ये बहुत ही कमाल की होती हैं और इससे आपके कॉन्सेप्ट्स कुछ अच्छे हो जाएंगे और आपका एक अच्छा ट्रेड बायस बन सकता है कि हम कैसे यूज़ करते हैं। सो एक चार्ट समझते हैं पहले आरएसआई का कि ये आरएसआई क्या बताना चाहता है। आप ये शीट देखिए, ये इमेज देखिए, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि प्राइस एक लोअर लो बना रहा है यहाँ पर, जो एक डाउन ट्रेंड में है। और आप आरएसआई में देखिए, आरएसआई हायर हाई बना रहा है, ये एक स्ट्रॉन्ग बुलिश सिग्नल होता है और आप देखोगे इसके बाद प्राइस ऊपर ही जाएगा। हम इसके कुछ एग्जांपल्स लेंगे लाइव चार्ट पे, सबको थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। सिमिलरली बेरिश में आप देखेंगे कि प्राइस हायर हाई बना रहा है पर आरएसआई लोअर हाई बना रहा है। सो ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, ये नीचे जाने की, तो प्राइस आरएसआई को ही फॉलो करेगा। एक ये बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन होता है। और वीक इंडिकेशन कैसे होता है, जब प्राइस लोअर लो बना रहा है और आरएसआई फ्लैट है, इक्वल है, ये ऊपर नहीं जा रहा है, आरएसआई फ्लैट है, इससे भी प्राइस ऊपर चला जाता है। बट ये बहुत वीक इंडिकेशन है, मतलब ये इतना रिलायबल नहीं होता है कई दफ़ा एज़ कम्पेयर टू अ स्ट्रॉन्ग सिग्नल। तो इस चार्ट को हम थोड़ा लाइव उस पर देखेंगे कुछ एग्जांपल्स लेके कि ये आरएसआई और प्राइस कैसे फॉलो करता है। लेट्स जंप टू द चार्ट्स एंड सी हाउ इट वर्क्स। हाय गाइस, सो वापस एक बार चार्ट्स पे जाके देखते हैं कि हमारा आरएसआई के एग्जांपल्स जो हमने थोड़ी देर पहले देखा था वो कैसे काम करता है। सो लेट्स गो टू एशियन पेंट्स और हम डेली चार्ट पे हैं एशियन पेंट्स के और हम कुछ एग्जांपल्स ढूंढना चाहेंगे यहाँ पर। जैसे हमने देखा था कि आरएसआई यहाँ पर देखिए, ये जो स्ट्रॉन्ग बुलिश सिग्नल था, जो स्ट्रॉन्ग सिग्नल था, आरएसआई नीचे की तरफ पॉइंट कर रहा है इन हायर हाइज और इन हायर लोज से, और प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है। तो सिंस प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है, आरएसआई नीचे की तरफ जा रहा है, आप देखो प्राइस आरएसआई को फॉलो करेगा और प्राइस नीचे ही जाएगा। सिमिलरली आप यहाँ देखिए, ये छोटा सेगमेंट है पर फिर भी ये आरएसआई का कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझाता है। ये देखिए, एक और हायर हाई, एक और हायर हाई प्राइस में, आरएसआई में लोअर लो और एक लोअर लो, अब देखिए प्राइस उसके बाद नीचे फॉल कर गया है। थोड़े और एग्जांपल्स देखते हैं जो थोड़े मॉडरेट वाले हैं, जैसे जब ये फ्लैट है और ये नीचे की तरफ है तब भी उसने आरएसआई को फॉलो किया है, बट ये बहुत वीक इंडिकेशन होता है, ये इतना स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन नहीं है। सो
एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे ये फिर से फ्लैट है और ये लगभग लगभग फ्लैट है, सो थोड़ा नीचे की तरफ है RSI टिल्टिंग डाउनवर्ड्स, बट इवन देन प्राइस नीचे फॉल करता है क्योंकि RSI को ही फॉलो करेगा प्राइस इन मोस्ट द केसेस. ये कोई 100% नहीं है कि ये होने ही वाला है, बट इसकी प्रॉबिलिटी काफ़ी ज़्यादा होती है और आपके स्टॉप लॉस बहुत छोटे हो सकते हैं अगर आप ऐसे ट्रेड लेंगे तो. सो ये हमारे कुछ एग्जाम्पल्स हैं. निफ्टी का चार्ट देखते हैं कि निफ्टी के चार्ट में क्या होता है. निफ्टी के चार्ट में आप देखेंगे हम कि ये देखिए प्राइस लोअर लो बना रहा है, RSI हायर हाई बना रहा है, और ये देखिए प्राइस की ऊपर कैसे ऊपर तेजी से चला गया. ये देखिए स्ट्रॉन्ग बेरिशनेस, प्राइस ऊपर जा रहा है, RSI उतना ही नीचे जा रहा है, और देखिए क्या डिप हुआ है. सो ये जो डाइवर्जेंस है कि इतनी स्ट्रॉन्ग है और इतनी वाइड है, तो आपने देखा कि प्राइस किस तरीके से नीचे गया है. सो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे हमारे निफ्टी में जो हमने आपके लिए ढूंढ के रखे हुए थे. सो अभी RSI की सेटिंग्स पे चलते हैं कि RSI कैसे काम करता है. सो RSI को समझने के लिए हम खाली ये समझ लेते हैं पहले कि RSI एक जोन है जिसमें मोमेंटम इंडिकेट होता है. सो आप अभी यहाँ देख रहे हैं कि हमारी डिफॉल्ट सेटिंग 70-30 की है, मतलब इस जोन में प्राइस का जो नॉर्मल मूवमेंट है वो अलाउड है. इस जोन में जब 70 के ऊपर चला जाता है, मतलब वो ओवरबॉट है, मतलब वहाँ पर स्टॉक बहुत ज़्यादा खरीद दिया गया है और वहाँ से नीचे आने के चांसेस हैं. और जब ये इस जोन में आता है, 30 के नीचे आता है, मतलब ये ओवरसोल्ड है, मतलब बहुत बिक गया है ये स्टॉक, अभी शायद ये ऊपर जाने की चांसेस बहुत ज़्यादा है. सो RSI को थोड़ी और डिटेल में समझने के लिए हम ये 70-30 जो हम बार बार बोल रहे हैं, हम उसको अगर चेंज करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं. यहाँ देखिए आप, अगर आप उसको चाहें तो आप इसको 80 और 20 करके लगा सकते हैं, तो आपका ये जोन देखिए कैसे बड़ा हो गया 80 और 20. सो आप देखेंगे यहाँ पर कि प्राइस जब भी 80, RSI ने 80 टच किया है, उसको एक फॉल मिला है. जहाँ भी प्राइस 80 टच किया है, एक फॉल मिला है. इसको थोड़ा जूम आउट करें, अगर आप थोड़ा और प्राइस देखना चाहें, ये देखिए यहाँ पर RSI 80 था और यहाँ पर एक फॉल आया, फिर ये RSI 80 गया, फिर एक फॉल आया, RSI फिर 80 गया, 80 के करीब आया, फिर फॉल आया. सो यहाँ पर भी RSI 80 था, फिर एक छोटा सा फॉल आया. सो इससे आप एक आइडिया लगा सकते हैं कि ओवरबॉट और ओवरसोल्ड कैसे कैसे काउंट होता है. सिमिलरली आप देखिए यहाँ पर कि यहाँ पर RSI 20 के नीचे चला गया, फिर वो ऊपर चला गया. कभी भी RSI ने अपने लोअर इसको टच किया है, ऑलमोस्ट जैसे RSI यहाँ पर 20 आ गया है, उसने फिर उठना चाहा. जैसे और एग्जांपल्स देखना चाहें, ये देखिए यहाँ पर RSI फिर अपना नीचे की तरफ आया, फिर प्राइस थोड़ा सा ऊपर उठा. सो RSI से आप ये कर सकते हैं. और RSI का एक और अच्छा फीचर है कि RSI लेंथ, कैंडल्स की लेंथ कैलकुलेट करता है. सो RSI पिछले 14 कैंडल की लेंथ को माप के आपको वो स्ट्रेंथ बताएगा. अगर आप इसको चाहें, आपको क्विक मूवमेंट्स चाहिए, तो आप इसको 14 से कम कर सकते हैं, तो इसकी रिएक्शंस बहुत फास्ट होंगे. और अगर आप इसको 14 से बढ़ा दें, तो इसके रिएक्शन थोड़े स्लो होंगे, जो इसमें आपको एरर सिग्नल्स कम मिलेंगे, बट ये आपको क्विक रिस्पॉन्सेज नहीं देगा. तो हमारे ख्याल 14 का जो सेटिंग है वो काफ़ी अच्छी है, एंड स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ 2. सो ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स हैं, हम रिकमेंड करते हैं कि आप यही यूज़ करें, अनलेस एंड अंटिल आप एक्सपीरियंस ट्रेडर हैं और आप की कोई अलग सेटअप है टू यूज़ RSI, तो आप ऑफकोर्स इसको चेंज कर सकते हैं. और RSI लगाने के लिए एज सिंपल एज आर अपने इंडिकेटर सेक्शन में जाइए, RSI टाइप करिए, और ये RSI आपको यहाँ दिख जाएगा. सो अगर आपके कोई डाउट्स और क्वेश्चंस हैं, कोई भी सवाल है दिमाग में, तो आप कमेंट बॉक्स में उनको लिख के दे सकते हैं, एंड हम आपकी डाउट सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे. एंड ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस एंड कॉन्सेप्ट जुड़े रहने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब टू द मनी मेकिंग ट्रेडिंग कोर्स चैनल, हिट द लाइक बटन, शेयर आर वीडियोज, एंड ज्वाइन द मनी मेकिंग ट्रेडिंग कोर्स, जिसके लिंक ऊपर आई बटन में दिया हुआ है. सो वी विल सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन. टिल देन सी यू.